भारतीय अरबपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी 12 जुलाई को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में होगी। इससे पहले शुक्रवार को संगीत का रस्म निभाया गया। प्री वेडिंग की तरह ये सेरेमनी भी सितारों से भरी रही। अनंत राधिका की संगीत सेरेमनी में बॉलीवुड सितारों का जमावड़ा देखने को मिला। लेकिन जैसे ही टीम इंडिया के क्रिकेटर्स ने एंट्री मारनी शुरू की, लोगों की निगाहें उन पर टिक गई। इस सेरेमनी में टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी समेत कई क्रिकेटर्स ने भी शिरकत की। अनंत राधिका की संगीत सेरेमनी में महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी पत्नी साक्षी के साथ पहुंचकर महफिल लूट ली। उनके अलावा T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड से सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या नजर आए। हार्दिक के साथ उनके भाई कृणाल पांड्या भी दिखे। सूर्य कुमार यादव पेपराजी के साथ सेल्फी लेते हुए दिखे। इसके अलावा टीम इंडिया से बाहर चल रहे ईशान किशन भी मौजूद रहे। वहीं केएल राहुल अपनी पत्नी अथिया शेट्टी के साथ इस रस्म के लिए पहुंचे। उनके अलावा आईपीएल 2024 के विनर और केकेआर के कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी संगीत सेरेमनी में शिरकत की। मौके पर रोहित शर्मा भी मौजूद थे। फंक्शन के दौरान मुकेश नीता अंबानी ने रोहित शर्मा को वर्ल्ड कप जीतने पर बधाई भी दी। फंक्शन में जहीर खान भी अपनी पत्नी के साथ पहुंचे थे। अनंत अंबानी के संगीत में केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी सितारों का भी जलवा देखने को मिला। कनाडा के मशहूर पॉप सिंगर जस्टिन बीबर ने अपने प्रदर्शन से लोगों का दिल जीत लिया। हालांकि वो ज्यादा देर तक मुंबई में नहीं रुके और अपने प्रदर्शन के खत्म होते ही वापस अपने देश लौट गए। अनंत राधिका की शादी का वेडिंग कार्ड हाल ही में वायरल हुआ था। उससे पता चला कि 12 जुलाई को शादी के बाद 13 जुलाई को शुभ आशीर्वाद और रिसेप्शन का कार्यक्रम प्लान किया गया है। वहीं 14 जुलाई को मंगल उत्सव होगा। प्री वेडिंग के दौरान भी ये सभी खिलाड़ी फंक्शन में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। अब अनुमान लगाया जा रहा है कि आगे आने वाले सभी कार्यक्रम में भी भारतीय क्रिकेटर्स मौजूद रहेंगे। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।